पूर्णिया कस्बा मार्ग पर गुलाबबाग स्थित आईटीआई कॉलेज के समीप ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में दो युवक घायल हो गए। श्रीराम सेवा संघ के सदस्य की मदद से घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। स्थानीय युवक ने बताया कि अनाज लदा ट्रैक्टर कस्बा से पूर्णिया रहा था, जबकि बाइक सवार घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ने पीछे से ठोकर मार दिया, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। घायल लोगों में दीपक दास और देवेंद्र ऋषि जलालगढ़ के रहने वाले हैं। घटना हुई किस जगह? गुलाबबाग आईटीआई कॉलेज के जस्ट समीक्ष हुआ था और हम कस्बा से आ रहे थे, तो वहाँ पे हजारों लोग की भीड़ जमी हुई थी और सब बोले थे कि पुलिस को बुला। उसके बाद प्रशासन को फोन करो। मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है। मैंने वहाँ पे सबको बोला कि भाई अगर पुलिस प्रशासन जब तक आएगी तब तक ये स्पॉट कर जाएगा, इसको चलो उठा के लेके चलो। वहाँ पे कोई साथ नहीं दिया। मैंने एक टेम्पू वाला को बोला, मैंने अपने बाइक पे बैठा है, टेम्पू वाले ने साथ दिया और मैंने उसको उठा के लेके हॉस्पिटल पे आया और मैं उसे बचा भी पाया। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? और ये हमें मालूम नहीं लोग कहाँ से आ रहे थे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उधर से टक्कर लगा हुआ तो वहाँ पे पड़े हुए थे, कोई उनको स्थानीय लोग नहीं उठा रहे थे। तो हम अपने संगठन से बिलोंग करते हैं श्रीराम सेवा संघ से, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हर लोग कुछ अंदाज़ा तो होगा आपका कि किधर से गाड़ी आ रही थी और टक्कर किधर से हुई है? ये लोग कस्बा से आ रहा था और बाइक जो है किसी गाँव से निकल के आ रहा था। एक चौड़ा पड़ता और चौड़ा से टक्कर हुई। किस चीज़ से टक्कर हुई थी? बाइक और ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर में अनाज लोड था। ट्रैक्टर वाला पकड़ाया या भाग गया? है वहीं पे। वहीं पे क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। कहाँ गढ़वा आपका? पूर्णिया रामबाग।